लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में रेडियो एक्टिविटी जब होती है और एक न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में टूटता है तो उसके कुछ लॉज हैं। नंबर वन, रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और ये टेम्परेचर प्रेशर से इनका कोई लेना देना नहीं है। तुम कहो कि ओहो रेडियोटिव स्टार्ट होगी, इस पे काम करो, पानी डाल दो, कोई ना फर्क पड़ेगा, न्यूक्लियर बम जाके पानी में फोड़ दो तब भी फूट जाएगा, तो पानी का कोई लेना देना नहीं। टेम्परेचर पहाड़ों पे फोड़ दो, टेम्परेचर प्रेशर डाउन हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने फटी जाना है, टूटना ही टूटना है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स इस पर असर नहीं डालते। ये लॉ ऑफ चांस पे डिपेंड करता है। आपके पास 1 करोड़ एटम है जिनको टूटना है, जिनके न्यूक्लियस टूट के छोटे न्यूक्लियस बनने हैं, कौन पहले टूटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ह्यूमन की तरह इसका बिहेवियर, कौन पहले जाएगा ये नहीं पता, कोई 70 पे, कोई आज और कल, ये नहीं पता। तो इसलिए इनका भी यही बिहेवियर है, किस एटम का चांस पहले जाएगा ये मालूम नहीं। किसी की एज तो अभी बस स्टार्ट हुई, पहले टूट गया, और कोई कई सालों साल नहीं टूटता। तो इसलिए चांस की बात है, कोई जी गया तो जी गया, तो गया तो गया, कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम, जब एटम टूटेगा, आइदर एन अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल निकलेगा। इकट्ठे अल्फा बीटा इकट्ठे कभी नहीं निकलते, बारी बारी करके निकलेंगे। अल्फा के बाद बीटा, के बाद अल्फा निकल सकता है, अल्फा बीटा इकट्ठा ही निकल सकता। एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम एटम विल चेंज इट इनटू न्यू एटम हुज चार्ज नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 2 एंड मास नंबर रिड्यूस्ड बाय 4। मतलब जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स न्यूक्लियस है, इसमें ये ए है और ये जेड है, इसमें अल्फा पार्टिकल निकल गया तो वाई एटम बन गया, ये अल्फा पार्टिकल है 4 2, तो जो ए है रिड्यूस्ड बाय 4 हो गया और जो जेड है वो रिड्यूस्ड बाय क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल निकलेगा, एटॉमिक मास नंबर 4 से कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा। तो रूल क्लियर है यहाँ तक? ये हम थोड़ी देर में और भी आने वाले टाइम में इसको डिस्कस करेंगे। तो अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब हीलियम 4 2 निकलना, तो एटॉमिक मास नंबर 4 से रिड्यूस हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल क्या करेगा? बीटा पार्टिकल, ये देखो, ये मान लो एक न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, बीटा पार्टिकल ये होता है, ये देखो E0-1 इलेक्ट्रॉन, ये होता है इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक मास नंबर में कोई फर्क नहीं और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, Z+1 हो जाएगा। A में कोई अंतर नहीं, Z में एक ऐड हो जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक? तो अल्फा पार्टिकल निकल के क्या होगा और बीटा पार्टिकल निकल के क्या होगा, कोई डाउट है इसमें? ठीक है यहाँ तक? अल्फा बीटा पार्टिकल क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और लास्ट है, नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड, जिसको रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं। मतलब किस रेट से एटम टूट रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी में एटम टूटेंगे, किस रेट से एटम टूट रहे हैं उसे बोलते हैं नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर सेकेंड। एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम एक्चुअली प्रेजेंट इन द सैम्पल एट दैट इंस्टेंट। मतलब वो डिपेंड करता है सैंपल पे कितने एटम पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर है। ह्यूमन बिहेवियर ऐसे है कि मैं हमेशा बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसका, कि आपकी जेब में अभी कितने पैसे हैं आप वैसा ही खर्चा करेंगे। ये मत कहना हम पुराने रईस हैं। ठीक, तुम्हारे पास 1 करोड़ थे वो होंगे, आज तो नहीं है। आज अगर 100 रुपये है तो खर्चा 100 रुपये के हिसाब से होगा, और अगर आपके पास अभी 1 करोड़ रुपये है तो खर्चा फिर 1 करोड़ के हिसाब से होगा। 1 करोड़ रुपए है तो खर्चा फटाफट होना स्टार्ट हो जाएगा, पैसे एकदम टूटेंगे। और ऐसे अगर 10 रुपए हैं तो बचा बचा के 10 रुपए का नोट ना गिर जाए मेरा, संभाल संभाल के रखोगे, तो यानी कि उसका खर्चा उतना ही कम हो जाएगा। तो बेसिकली वही है कि आपके जो नंबर ऑफ एटम हैं इनिशियली कितने हैं, एन नॉट थे जब शुरू हुआ, एट टाइम t=0 एन नॉट थे। अभी एट टाइम टी पे नंबर ऑफ एटम लेफ्ट कितने हैं, दीज आर नंबर ऑफ एटम लेफ्ट, और ये क्या थे जो इनिशियल थे। नंबर ऑफ एटम लेफ्ट कितने हैं, एन है। अब आपका जो टूटने का रेट है, एटम टूटने का रेट क्या होता है, डीएन एटम टूट गए कितनी देर में, डीटी, डीएन बाय डीटी, और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं इसे, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, मिलाना, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है, टूटना, और टूटना है तो ये रेट क्या होता है, नेगेटिव, खर्चे का रेट तो नेगेटिव है। ये रेट किस पे डिपेंड करता है, आपके कितने नंबर ऑफ एटम इस टाइम पड़े हुए हैं।
इस पे डिपेंड नहीं करता कितने थे, वो तो थे, अभी कितने पड़े हैं एन, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किस पे डिपेंड करता है, एन पे। क्लियर है यहां तक? अब माइनस डी एन बाई डी टी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को हम एक्टिविटी भी बोलते हैं, एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी एक ही बात है। तो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एक ही बात है, माइनस डी एन बाई डी टी। तो ये यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, लैम्डा, केमिस्ट्री में सुना हुआ है, ये क्या होता है, इस लैम्डा को क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन का कांस्टेंट। ये होता क्या है वैसे, क्या करता है केमिस्ट्री में, बस कांस्टेंट होता है, पढ़ा है केमिस्ट्री में, नहीं पढ़ा, अच्छा नहीं पढ़ा, ओके पढ़ा नहीं, ओके मैं बताता हूँ, ये खर्चे का रेट है, आप ऐसे खर्च रहे हैं एटम, खर्चना मतलब एटम टूटना, चलो पैसे का लेते हैं, ये आपका खर्चने का रेट है, पैसे खर्चने का रेट है, आपके पास एंड रुपये पड़े हुए थे। अब कोई बंदा दलेर भी होगा और कोई कंजूस भी होगा, अब जो तो कंजूस है उसको तो लैम्डा कम है, जो दलेर आदमी कहते हैं 100 रुपये कोई टेंशन नहीं, 90 उड़ा के छोड़ेंगे आज, तो उसका लैम्डा बड़ा है, यानी कि नेचर ऑफ एटम पे भी डिपेंड करता है, कौन कितनी जल्दी तोड़ता है, कम होने के बाद भी रेडियो एक्टिविटी खर्चा नहीं रोकता तो वो लैम्डा डिफाइन करेगा, तो एटम टू एटम नेचर होती है। तो ये लॉ आपको ये समझाता है, तो समझ में आ रहा है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किसी भी एटम का डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम कितने पड़े हुए हैं आपके पास और उसकी नेचर क्या है एटम की। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसके अंदर ये देखो, ये लॉ लिखा हुआ है, माइनस डी एन बाई डी टी एन के प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट लैम्डा लग गया। एक काम करते हैं, डी टी वाली टर्म इधर, एन वाली टर्म लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो ये टर्म बनती है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन में क्या लगेगा, इसकी इंटीग्रेशन लॉग एन है, इसकी माइनस लैम्डा टी है, और जब इंटीग्रेशन बिना लिमिट के है तो यहाँ पर कांस्टेंट लगेगा, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो नंबर ऑफ एटम कितने थे, एन नॉट, तो तुम यहाँ जीरो पुट कर दो, एन नॉट पुट कर दो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी, इस सी को उठा के वापस यहाँ पुट कर दो तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, लॉग वाली टर्म एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म बाई सेकेंड टर्म क्या है, लॉग ऑफ एन बाई एन नॉट। मेडिकल के लोग समझ लें, जब लॉग राइट साइड पे जाता है, इसका बेस ई है तो ई इधर आ जाता है और पावर ई के ऊपर आ जाती है, तो एन बाई एन नॉट क्या बनेगा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी, एन का फॉर्मूला आ गया, हाईलाइट कर लो, तो एन का फॉर्मूला आ गया, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। डेरिवेशन तो आई डाउट शायद सीबीएसई में नहीं रही अभी, ये मैं कह नहीं सकता, नहीं एनसीईआरटी चेक कर लेना, और न्यूमेरिकल्स में तो ये काम आएगा। तो एन का मतलब क्या है, लिख लेना नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट जो बच गए, एन नॉट का मतलब इनिशियली कितने प्रेजेंट थे और टी का मतलब टाइम, तो नंबर ऑफ एटम कितने बचे वो एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी पे डिपेंडेंट है। ठीक है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, जस्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन है, कोई पूछेगा नहीं पेपर में, आज तक आई नहीं है। लैम्डा को अगर मैं 1/t पुट कर दूँ, या टी को 1/λ पुट कर दूँ, तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट कितने होंगे, टी की जगह जब मैं यहाँ पर 1/λ पुट करूँगा तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, रेज टू पावर माइनस वन, ई की पावर माइनस वन क्या होता है, 1/e, तो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट कितने हैं, जितने थे डिवाइडेड बाय 1/e। तो डेफिनेशन सुन लो, लैम्डा उस टाइम का रेसिप्रोकल है जब नंबर ऑफ एटम लेफ्ट कितने हो जाते हैं, 1/e टाइम जितने सैंपल में इनिशियली प्रेजेंट थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्टिव में 1/e टाइम 1/e फैक्टर कहीं दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए 1/e फैक्टर कहाँ से आया, वैसे आएगा नहीं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, ये तो केमिस्ट्री में पक्का किया होगा। हाफ लाइफ के लिए हम ऐसा लिखेंगे, ये लिख लो साथ साथ, यहीं पे बुकलेट में लिख लो, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो नंबर ऑफ एटम कितने थे सैंपल पे, एन नॉट बाय टू, आधे कितनी देर में रह गए कैपिटल टी टाइम में, कैपिटल टी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब नंबर ऑफ एटम कितने रह गए, आधे।
तो यानी कि यहाँ पे ये जो ऐसे लिखते हैं, ऐसे इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट, एट स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, नंबर ऑफ एटम इज एन नॉट बाई टू, मतलब वन बाई टू, वन बाई टू रेज टू पावर वन इंटू एन नॉट, एक ही बात है। एट टाइम टू टी, यानी कि दो हाफ लाइफ पीरियड हो गए, दो हाफ लाइफ पीरियड में क्या बचेगा, इसका भी आधा, एन नॉट बाई टू का आधा क्या, एन नॉट बाई फोर, तो क्या बचेगा, वन बाई टू का स्क्वेयर टाइम्स एन नॉट, सही है। तीन हाफ लाइफ पीरियड, थर्ड हाफ लाइफ पीरियड में नंबर ऑफ एटम कितने बचेंगे, एन नॉट बाई एट, चार का आधा कितना, आठ, सही है, आधा आधा करता जा रहा हूँ। तो क्या आंसर आएगा, वन बाई टू का क्यूब टाइम्स एन नॉट। ऐसे करते करते एनथ लाइफ में, एनथ लाइफ में नंबर ऑफ एटम कितने बचेंगे, हाफ रेज टू पावर एन टाइम्स एन नॉट, ये बना फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, केमिस्ट्री भी नहीं क्या है? अच्छा हाँ, वो भी आएगा, अभी कराऊंगा, वो भी कराऊंगा। तो हाफ लाइफ पीरियड का ये पॉइंट क्लियर है। तो इसके अंदर मेरे पास अब नंबर ऑफ एटम लेफ्ट निकालने का दो तरीके हैं मेरे पास। पहला तो ये तरीका है, वेयर स्मॉल एन का मतलब है स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, एन का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट, और इसका मतलब इनिशियल मेरे पास कितने थे, या फिर नंबर ऑफ एटम लेफ्ट का मेरे पास ये फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में ज्यादातर लोग ये पसंद करते हैं लगाना, फटाफट आंसर आता है, लेकिन कई बार हम फंस जाते हैं तो हमें ये लगाना पड़ जाता है जिसमें लैम्डा के बन होता है। तो दोनों फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम लेफ्ट के ही हैं, दोनों फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम लेफ्ट के ही हैं। सही है, तो दोनों फॉर्मूलाज क्लियर हैं एकदम, ठीक है यहाँ तक। तो ये हाफ लाइफ पीरियड हो गया। अब एक चीज़ देखो, हाफ लाइफ पीरियड का तो ये तरीका है ही, दूसरा तरीका जो केमिस्ट्री में किया हुआ है, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट का फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने लिखा था नंबर ऑफ एटम लेफ्ट का फॉर्मूला एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी है। नंबर ऑफ एटम जब एन नॉट बाई टू रह गए, नंबर ऑफ एटम जब एन नॉट बाई टू रह गए, तो एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी ये कैंसिल हो गया, हाफ इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, ये भी क्लियर है यहाँ तक। तो ये टर्म आ गई मेरे पास, इसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल में माइनस प्लस हो गया, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो ये नेचुरल लॉग लेना है, टू द बेस ई, लॉग टू द बेस ई ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। मैथ्स के अंदर ये लॉग ऑफ टू चल रहा है, टू द बेस ई, लैम्डा टी पावर नीचे आ गई, तो लॉग ऑफ ई टू द बेस ई, इसकी वैल्यू मैथ्स में क्या होती है, वन। मैथ्स में अगर लॉग टू टू द बेस ई को लॉग टू टू द बेस टेन बनाना है, तो इसको 2.303 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, और क्योंकि मैंने एन को एन नॉट बाई टू पुट कर दिया, तो मैं यहाँ पर स्मॉल टी को क्या पुट कर लूँगा, कैपिटल टी, तो यहाँ पे 2.303 लॉग टू टू द बेस टेन होता है 0.3010 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी, ये टर्म आएगी 0 पॉइंट मल्टीप्लाई करने पे, ये टर्म आएगी लैम्डा इंटू टी। तो हाफ लाइफ पीरियड आपने केमिस्ट्री में सुना होगा, इसके इक्वल सुना होगा, ऐसे ही है। तो मैं पूछा तो लैम्डा किया कि नहीं किया, अच्छा पर ऐसा नहीं किया, ठीक है, अब क्लियर है, दिख रही है एकदम रेडियो एक्टिविटी कैसे चल रही है, कोई डाउट है इसमें? तो शायद तभी इन्होंने सिलेबस से काटा है, क्योंकि ना मैथमेटिक्स थोड़ा सा मेडिकल वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था, तो शायद लॉग वाली और एक्सपोनेंट वाली टर्म्स को काटा है। बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैपिटल टी हाफ लाइफ पीरियड किसके इक्वल है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लें, बाकी हमने कर लिया इसमें।